हाय एवरीवन, दिस इज मी हबीबा शबीर। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं C++ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हम कोड में काफ़ी जगह यूज़ करेंगे। ऑपरेटर्स क्या होता है C++ में? ऑपरेटर्स बेसिकली एक साइन होता है जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं। मेनली इसकी टू टाइप्स हैं, यूनरी ऑपरेटर्स एंड बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर होता है जो किसी एक ऑपरेंड की वैल्यू को चेंज करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये माइनस ए, एन प्लस प्लस, एक्स माइनस माइनस, इसको हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर जिनको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कम से कम दो ऑपरेटर्स की जरूरत होती है, इसे हम क्या कहते हैं? बाइनरी ऑपरेटर्स। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, दो वैल्यू के दरमियान प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में। और रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, दो वैल्यू के दरमियान रिलेशन बताते हैं, जैसे ग्रेटर देन इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, वो हम किस में करते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स में। एंड देन लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम एंड और नॉट ऑपरेशन का यूज करते हैं। देन असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हम इक्वल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। एंड देन नेक्स्ट वी हैव इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ये हम नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ये सब ऑपरेटर्स की डिटेल में पढ़ेंगे और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी साथ करेंगे। अब उसके बाद हमारे पास आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन C++। इसकी हम जितने भी ऑपरेटर्स हैं अरिथमेटिक्स के, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इन सब की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। Dev C++ को ओपन करते हैं। अब हम इसमें सबसे पहले हम अपना कोड लिखेंगे, हेडर फाइल लिखेंगे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, उसके बाद सेमीकोलन, देन इंट मेन ब्रैकेट्स, फिर ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज। उसके बाद मैं दो इंटीजर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करती हूँ, इंट ए इज इक्वल टू, कोई सी भी वैल्यू साइन करती हूँ, फॉर एग्जांपल 5, फिर कॉमा आएगा, and b is equal to 5, फिर उसके बाद क्या आएगा? सेमीकोलन। अब मैं प्रिंट करवाती हूँ cout operators in C++। फिर एंडल, उसके बाद सेमीकोलन आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? कमेंट्स डाल के मैं लिख लेती हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। हम जो भी कमेंट करके स्टेटमेंट को लिखते हैं वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, बस अपनी इंफॉर्मेशन के लिए वो स्टेटमेंट लिखते हैं। अब सबसे पहले इसमें मैं ये प्रिंट करवाती हूँ ए प्लस बी सी आउट द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज ए प्लस बी, और एंड पे हम क्या लगा देंगे? एंड। Similarly, cout the value of a minus b is a minus b. उसके बाद
प्रिंट करवाती हूँ ए मल्टीप्लाई बी द वैल्यू ऑफ ए मल्टीपल बी इज ए मल्टीपल बी और एंटर, इधर ई आएगा। इसी तरह हम ए मोड बी करते हैं, the value of a divide b is insertion operator and then a divide b, फिर उसके बाद insertion operator आएगा और एंडल। इसके हम बाद हम डिवाइड करते हैं, द वैल्यू ऑफ ए डिवाइडेड बी इज ए डिवाइड बी एंड देन इंसर्शन ऑपरेटर, फिर एंडल आ जाएगा। अब उसके बाद इधर तो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कंप्लीट होते हैं, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट एंड पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट और प्रीफिक्स डिक्रीमेंट और पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट का यूज़ करते हैं। अब उनकी वैल्यू को भी प्रिंट करवा लेते हैं, शोड द वैल्यू ऑफ A increment is A increment or handle. Similarly, Cout the value of A decrement is a decrement, और फिर क्या आ जाएगा, insertion operator and at the end handle आ जाएगा। Cout the value of, अब हम करते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट प्लस प्लस ए इज प्लस प्लस ए और उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर आ जाएंगे और एट द एंड एंडल आ जाएगा। उसके बाद हम करते हैं प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स लगाते हैं, द वैल्यू ऑफ माइनस माइनस ए इज इंसर्शन ऑपरेटर्स एंड फिर इंसर्शन ऑपरेटर्स एंड एट द एंड एंडल यूज करेंगे और फिर हम कर देंगे रिटर्न जीरो और एट द एंड जो ब्रैकेट ऊपर क्लोज ओपन किया उसको क्लोज कर देंगे। अब हम इसको सेव करते हैं, किसी भी नाम से सेव कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इधर टी नहीं लगा था, इसको रन करेंगे तो ये देखिए हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। अब सबसे पहले इस आउटपुट को देखते हैं ये कैसे आई है। मैंने सबसे पहले ऊपर ये स्टेटमेंट लिखी थी ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस, ये एक मैसेज डिस्प्ले उसने मुझे करके दे दी।
अब उसके बाद हम लिखें देखेंगे द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज 10। ए की वैल्यू मैंने कौन सी ली थी 5, एंड बी की वैल्यू कौन सी ली थी 5। ए प्लस बी को ऐड करके उसने 5 दे दी है। उसके बाद द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी इज, ए की वैल्यू क्या थी 5 और बी की वैल्यू क्या थी 5, ए 5 - 5 0 आ जाएगा। उसके बाद जब वो मल्टीपल ऑपरेटर्स का यूज़ करेगा तो 5 को मल्टीप्लाई करेगा 5 के साथ, वो 25 आ जाएगा। उसके बाद जब वो मॉड ऑपरेटर, डिवाइड ऑपरेटर को यूज़ करेगा तो वो क्या करेगा 5 को डिवाइड करेगा 5 से, तो वो क्या आ जाएगा आउटपुट में 1 आ जाएगा। उसके बाद द वैल्यू ऑफ ए मॉड बी इज 0, जब 5 का मॉड लेंगे 5 से तो मॉड क्या आ जाएगा 0। अब द वैल्यू ऑफ ए प्लस प्लस इज, इसको हम देखते हैं ए की क्या वैल्यू थी हमारे पास 5। पहले सिंपल ए की जो 5 वैल्यू थी, ओरिजिनल वैल्यू थी, वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद द वैल्यू ऑफ ए माइनस माइनस इज, ए माइनस माइनस में 6 कैसे आया है? सबसे पहले तो ए की वैल्यू जो इधर थी वो 5 थी, तो 5 प्रिंट हो जाएगी और बाद में उसमें इंक्रीमेंट होगा, और बाद में इंक्रीमेंट होने के बाद वो इस ए में आ जाएगा, ठीक है? और फिर क्या हो जाएगा, पहले ए माइनस माइनस है इधर, तो पहले ए की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी और बाद में इसमें डिक्रीमेंट होगा, इसलिए इधर ए माइनस माइनस में क्या आ गया हमारे पास 6 वैल्यू। उसके बाद दी वैल्यू ऑफ प्लस प्लस ए इज, प्लस प्लस ए में क्या है कि इधर ए की 6 की कौन सी वैल्यू, इधर कौन सी वैल्यू ए की 6, तो पहले क्या है इंक्रीमेंट होगा, पहले क्या है ए की क्या वैल्यू 5, 5 में पहले क्या होगा इंक्रीमेंट होगा, और इंक्रीमेंट होगा जो, और वो डिस्प्ले हो जाएगी 5 की वैल्यू, ठीक है? ए की वैल्यू क्या है 5, 5 में जब इंक्रीमेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा 6, तो वो 6 डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद दी वैल्यू ऑफ माइनस माइनस ए इज, अब ए की वैल्यू क्या है 5 है, लेकिन ये इधर ऊपर क्या था 6, 6 जब इधर आएगा तो पहले क्या होगा वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, 6 में एक कम होगा तो क्या आ जाएगा 5, तो 5 जो है वो ए में प्रिंट हो जाएगा। तो ये थे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इसमें हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड को यूज़ किया, और उसके बाद प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट, पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट और पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट को यूज़ करते हुए हम लोगों ने ये कोड किया। अब हम चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ। अब उसके बाद देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या है। असाइनमेंट ऑपरेटर, अगर आप किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। किसी भी एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट करेंगे, यानी अगर दो वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं तो इससे पहले हम लोग ऐड करेंगे, और फिर इस वैल्यू को ऐड करने के बाद जो वेरिएबल्स आएगा हमारे पास, जो वैल्यू आएगी उसको हम किस वेरिएबल में असाइन कर देंगे, ठीक है? इसमें जो हम लोग ऑपरेटर यूज करते हैं वो इक्वल टू ऑपरेटर यूज करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स का सिंटेक्स क्या है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स को हम हमेशा इक्वल के राइट साइड पे लिखेंगे और इक्वल साइन के इसमें यूज करते हैं। अब इसका हम सिंटेक्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो इसमें आएगा सिंटेक्स, वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल देखते हैं, हमने कोई सा भी वेरिएबल, जैसे मैंने इधर ए वेरिएबल लिया, फिर उसके बाद उसके अंदर इक्वल का ऑपरेटर लगाया, और फिर उसका एक्सप्रेशन 40 दिया, 40 वैल्यू दे दी, और उसके बाद क्या आएगा सेमी कॉलन। इसी तरह इसमें क्या किया, मैंने सबसे पहले एक्सप्रेशन को देखती हूँ कि वेरिएबल लिया सी, फिर उसके बाद इक्वल का ऑपरेटर्स को यूज़ किया, और ए प्लस बी, इस एक्सप्रेशन को ए, फॉर एग्जाम्पल मैं वैल्यू लेती हूँ 40 और बी की वैल्यू लेती हूँ 10, ए प्लस बी 40 + 10 वो ऐड करके इक्वल करके वो थर्ड वेरिएबल को असाइन कर देगा, सी में रिजल्ट स्टोर हो जाएगा ए प्लस बी का। इसी तरह सम का, सम में क्या होगा कि एक्स प्लस वाई और प्लस सी, इन तीनों की वैल्यू को प्लस करके वो सम में रिजल्ट इसका स्टोर कर देगा। तो ये था हमारे पास सिंटेक्स असाइनमेंट स्टेटमेंट का। उसके बाद हम देखते हैं कि असाइनमेंट स्टेटमेंट का एक एग्जांपल देखते हैं। इधर मैं एक न्यू फाइल को ओपन कर लेती हूँ। सबसे पहले हेडर फाइल लिखेंगे,
हैश, इंक्लूड, आयो स्ट्रीम, यूजिंग नेम स्पेस, एसटीडी, सेमीकोलन लगाएंगे, उसके बाद इंट मेन, इंट मेन के बाद हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज लगाएंगे। अब मैं दो इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करती हूँ, इंट ए एंड बी, और इसके बाद क्या आएगा, सेमीकोलन। ए की वैल्यू साइन करती हूँ 50, और बी की वैल्यू साइन करती हूँ 50। इसके बाद सी प्लस प्लस पे हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन लगाना है, इसलिए आप सेमीकोलन लगाना ना भूलिएगा। अब बी में क्या रखती हूँ, बी इज इक्वल टू ए प्लस 20, इसके बाद क्या आएगा, सेमीकोलन। अब उसके बाद प्रिंट करवाती हूँ ए की वैल्यू को और बी की वैल्यू को। ए इज इक्वल टू, इंसर्शन ऑपरेटर्स आएंगे उसके बाद ए, और फिर इंसर्शन ऑपरेटर्स, और एट द एंड क्या आएगा, एंड। सिमिलरली सी आउट, इंसर्शन ऑपरेटर्स, डबल कोट्स, बी इज इक्वल टू, और फिर इंसर्शन ऑपरेटर्स ए, और इंसर्शन ऑपरेटर, और एट द एंड क्या आ जाएगा, एंड। अब उसके बाद हम रिटर्न जीरो लिख देंगे। रिटर्न जीरो के बाद भी सेमीकोलन आएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसको सेव कर लेते हैं, किसी भी नाम से आप सेव कर लें इसको, फिर इसको रन एंड एग्जीक्यूट रन करते हैं। अब ये देखें, इधर मेरे पास ए की वैल्यू क्या आई है 50, और बी की वैल्यू क्या आई है 50। वो कैसे आई है बी की वैल्यू 50, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने दो इंटीजर वेरिएबल लिए, उसमें ए की वैल्यू क्या रखी 50, उसके बाद बी की वैल्यू बी इज इक्वल टू ए प्लस 20। अब होगा क्या है, इसमें जो आउटपुट है वो बेसिकली 80 आनी चाहिए थी। अब बी की वैल्यू क्या है वो 50 में प्लस एक वैल्यू क्या है 50 में प्लस वो 20 करेगा, तो वो बी की वैल्यू 80 होनी चाहिए थी। और सी आउट कर देगा ए इज इक्वल टू 50 और बी इज इक्वल टू 80। अब हम देखते हैं इसमें हमारा ऐसी क्या मिस्टेक हुई है कि इसने बी की वैल्यू 50 दे दी है। अगर हम इसकी वैल्यू को चेंज करके देखते हैं, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर्स एंड दिस, अगर हम इसकी वैल्यू को 40 रखते हैं तो उससे क्या आता है, बी की वैल्यू भी 40 दे रहे हैं। बी की वैल्यू इसे अगर हमने इधर 40 रखा है तो 60 देने चाहिए थी। बी इज इक्वल टू, सॉरी ये देखें, इधर हमने मिस्टेक किया है, ए में हम लोगों ने ए लिख दिया, इधर बी आ रहा था। जब प्रिंट करवाया सी आउट, बी इज इक्वल टू बी, और जब ए की वैल्यू को प्रिंट करवाना तो उसके लिए लिखेंगे सी आउट ए इज इक्वल टू ए। बेसिकली ये जो ए है ये इसलिए तो सिंपल हमें डिस्प्ले करना है कि ए इज इक्वल टू, ठीक है, इस ए में हमारी वैल्यू जो नहीं है वो प्रिंट होगी। ए की वैल्यू क्या है 40, वो इसमें आ जाएगा, और बी की वैल्यू क्या है ए प्लस 20। ए में क्या पड़ा हुआ था 40 प्लस 20 तो कितना हो जाएगा 60, और वो 60 इस बी में स्टोर कर देगा। अब हम इसको रन करते हैं तो ये देखें ए की वैल्यू क्या आ गई 40 और बी की वैल्यू क्या है 60, ठीक है। आई होप इस आपको समझ आ गई होगी कि हम लोग ने असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या यूज़ किया है। इक्वल का साइन यूज़ करते हैं,
और असाइनमेंट और जो एक्सप्रेशन हमेशा इक्वल के राइट साइड पे आएगा, ठीक है। किसी भी एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट करेंगे, यानी अगर दो वैल्यू को ऐड करना है तो उससे पहले ऐड करेंगे, फिर उस वैल्यू को ऐड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा उस वेरिएबल को असाइन कर देंगे किसी थर्ड वेरिएबल, ठीक है। ये था हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब हम देखते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सी प्लस प्लस में ये एक शॉर्टकट है कि जिसके थ्रू हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर इस वैल्यू को वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप एक वक्त में एक से ज्यादा वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स को मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ये देखें, जैसे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स कॉम्बिनेशन होता है किसका, असाइनमेंट ऑपरेटर्स का और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का। जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स है ये, जैसे ये देखें आप, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स कॉम्बिनेशन होता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स का और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का। जैसे ये देखें, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, डिवाइड इज इक्वल टू, मॉड इज इक्वल टू, ठीक है। इन सब के साथ क्या है, इक्वल का साइन है और साथ क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज हुआ हुआ है। अब जो असाइनमेंट ऑपरेटर हमेशा वो राइट साइड पे आएंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स, और जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होंगे वो हमेशा लेफ्ट साइड पे आएंगे। जो कि आप इधर भी देख रहे होंगे कि जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो भी लगे हुए हैं वो लेफ्ट साइड पे है, और जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स इक्वल के लगे हुए हैं वो राइट साइड पे है, ठीक है। अब हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं। अब पहले इसका एक्सप्रेशन आप सिंटेक्स देख लें। सबसे पहले सिंटेक्स में हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल, फिर उसके बाद ऑपरेटर्स, फिर इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास n इज इक्वल टू 10 है तो मैं क्या करूंगी, n प्लस इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू n प्लस 5। यानी n जो है वो क्या है, कंपाउंड ऑपरेटर्स है। ये n, ये क्या है, मेरे पास कंपाउंड ऑपरेटर्स है, और फिर ये n क्या है, मेरे पास कंपाउंड ऑपरेटर्स है, और इसके बाद जो 5 आ रहा है वो क्या कर देगा, वो क्या कर देगा, n प्लस 5, यानी n की वैल्यू में मजीद 5 को ऐड करके वो इसका रिजल्ट जो है n में स्टोर कर देगा। n की वैल्यू में 5 ऐड करेगा तो वो किस में रिजल्ट स्टोर कर देगा, n में, ठीक है। इसी तरह मेरे पास 9 माइनस 1, 9 n माइनस इज इक्वल टू 5 है, तो n माइनस क्या है, कंपाउंड ऑपरेटर्स है। इसके बाद जो 5 है ये 5 क्या है, n की वैल्यू में मजीद 5 को माइनस करके ये दोबारा इज इक्वल टू के बाद n में वो स्टोर कर देगा। इसी तरह n मल्टीपल इज इक्वल टू 5 है, और n डिवाइड इज इक्वल टू 5 और n मोड इज इक्वल टू 5। चलते हैं अब अपनी कोड की तरफ, हम उसपे इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं। इधर मैं एक न्यू फाइल को ओपन कर लेती हूँ। सबसे पहले हेडर फाइल लिखेंगे जो कि हर प्रोग्राम में मस्ट लिखते हैं, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, उसके बाद सेमी कॉलन, देन इंट इंट मेन, उसके बाद कर लिए ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज। इसमें मैं एक इंटीजर वेरिएबल लेती हूँ एन इज इक्वल टू, उसको वैल्यू सेंड करती हूँ 5, 15। उसके बाद सी आउट प्रिंट करवाती हूँ, सी आउट एन की वैल्यू को, एन इज इक्वल टू इंसर्शन ऑपरेटर्स एन, और फिर इंसर्शन ऑपरेटर और एंडल आ जाएगा। उसके बाद अब मैं जो पीछे एग्जांपल्स देखी हैं कि अरिथमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए हम लोग इसकी एक एग्जांपल करते हैं। एन प्लस इज इक्वल टू 5 और सेमी कॉलन आ जाएगा। उसके बाद हम इसको सी आउट करवाते हैं, सी आउट डबल कोट्स
एन प्लस इज इक्वल टू एन, फिर इंसर्शन ऑपरेटर और एंडल आ जाएगा। उसके बाद एन माइनस इज इक्वल टू, एन माइनस इज इक्वल टू फाइव, फिर सेमीकोलन लगाएंगे तो हम उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, सी आउट डबल कोट्स एन माइनस एन माइनस इज इक्वल टू इंसर्शन ऑपरेटर आ जाएगा, फिर एन आ जाएगा और फिर हम एंड लगा देंगे। उसके बाद मल्टीपल ऑपरेटर्स का यूज़ करती हूँ, एन मल्टीपल इज इक्वल टू फाइव, सेमी कॉलन आ जाएगा, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर डबल कोट्स एन मल्टीपल इज इक्वल टू इंसर्शन ऑपरेटर एंड, फिर एंड आ जाएगा। इसी तरह मैं करती हूँ मल्टीपल का, एन मल्टीप्लाई इज इक्वल टू सॉरी डिवाइड का, एन डिवाइड इज इक्वल टू फाइव, सी आउट डबल कोट्स एन डिवाइड इज इक्वल टू एन और एंड आ जाएगा। उसके बाद मैं करती हूँ मॉड का, एन मॉड इज इक्वल टू फाइव, सी आउट एन मोड इज इक्वल टू एन और फिर क्या लगा देंगे, इंसर्शन ऑपरेटर और एंड और एट द एंड रिटर्न जीरो और ब्रैकेट क्लोज। इसको हम सीक्वेंस में रख लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कोई मिसिंग तो नहीं है। जी ओके, अब हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद रन एंड एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो ये देखें, सबसे पहले मेरे पास एन की क्या वैल्यू ली थी, 15, तो एन इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। उसके बाद एन प्लस इज इक्वल टू 25, 15 है ये, 15 है, 15 में प्लस जब 5 ऐड होगा तो वो 20 आ जाएगा। इसी तरह एन माइनस इज इक्वल टू 15, 15 में जब 5 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसी तरह एन मल्टीपल इज इक्वल टू 75, जब 15 5 से मल्टीपल होगा तो क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू क्या थी 15, और 15 जब 5 से मल्टीपल होगा तो क्या आ जाएगा, 75। अब उसके बाद एन डिवाइड बी, एन डिवाइड बी आएगा, तो इसमें हमने एन डिवाइड इज इक्वल टू 15, तो एन को डिवाइड करेंगे जब 5 के साथ तो क्या आ जाएगा, 15, और जब एन का मोड लेंगे 5 के साथ तो क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स के दरमियान का रिलेशन जज करने में मदद करते हैं। रिलेशन ऑपरेटर जो हमें बताते हैं कि जो रिलेशंस है वो इसका आउटपुट जो है वो ट्रू में आएगा या फॉल्स में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक्सप्रेशन है,
एग्जाम्पल मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, वन इज इक्वल टू एक्सप्रेशन टू, एक्सप्रेशन टू, तो क्या ये ट्रू है? एक्सप्रेशन वन इज इक्वल टू एक्सप्रेशन टू, तो क्या है ये? ट्रू। ठीक है, अगर मैं करती हूँ फोर इज इक्वल टू फाइव, तो क्या ये ट्रू है? ये फॉल्स है, फोर फाइव के इक्वल नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा? एफ। इसी तरह अगर मैं करती हूँ फोर इज इक्वल टू फोर, तो क्या ये ट्रू है? ये फॉल्स, तो ये ट्रू है। तो बेसिकली और रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो हमें दो ऑपरेंड के दरमियान का रिलेशन जज करने में मदद करता है कि आउटपुट जो है वो हमारे ट्रू में आएगी या फॉल्स आएगी। तो अब इसके कोड करते हैं हम। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हेडर फाइल हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी एसटीडी। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज, मैं दो इंटीजर वेरिएबल ले लेती हूँ, उनको वैल्यू असाइन कर लेती हूँ। इंट ए इज इक्वल टू ए की वैल्यू फोर, और फिर कॉमा आ जाएगा, और फिर बी की वैल्यू क्या रखती हूँ? फाइव। इसके बाद मैं एक मैसेज डिस्प्ले कर लेती हूँ, मैसेज लिखती हूँ रिलेशनल ऑपरेटर्स। कमेंट्स डाल के, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कमेंट्स डाल के हम जो भी लिखेंगे उसके साथ स्टेटमेंट, तो वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो हम अपनी इंफॉर्मेशन के लिए वो स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं कमेंट्स में। अब उसके बाद हम करवाते हैं सी आउट, प्रिंट करवाते हैं दी वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू बी इज फिर इंसर्शन ऑपरेटर आ जाएंगे और ब्रैकेट्स डाल के फिर यही वैल्यू लिखनी है ए इज इक्वल टू बी, और फिर उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर एंड एंडल। ये देखें ये वैल्यू हम दोबारा इसमें क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस वैल्यू ने तो ऐसे हमें आउटपुट में डिस्प्ले हो जाना दी वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू बी, ये तो वैल्यू हमें मैसेज ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा आउटपुट में, लेकिन हम जो इंसर्शन ऑपरेटर्स के बाद ये जो लिखेंगे ब्रैकेट में ए इज इक्वल टू बी, वो हमें ये बताएगा रिलेशन में कि क्या रिलेशन ट्रू है या फॉल्स। तो अब हम प्रिंट करवाते हैं सी आउट दी वैल्यू ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू बी इज, ए नॉट इज इक्वल टू बी। उसके बाद हम लिखते हैं सी आउट दी वैल्यू ऑफ ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी इज, फिर इंसर्शन ऑपरेटर्स ब्रैकेट में अगेन हम यही वैल्यू लिखेंगे ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी, और फिर क्या लिख देंगे? एटल। उसके बाद हम लिखेंगे सी आउट दी वैल्यू ऑफ ए लेस देन इज इक्वल टू बी इज इंसर्शन ऑपरेटर आ जाएंगे और ब्रैकेट्स में अगेन यही वैल्यू लिख देंगे ए लेस देन बी इज इक्वल टू बी, और फिर क्या? इंसर्शन ऑपरेटर आ जाएगा और एंडल लिख देंगे। सिमिलरली सी आउट द वैल्यू
ऑफ ए ग्रेटर देन बी इज इंसर्शन ऑपरेटर्स ब्रैकेट्स में अगेन यही वैल्यू को लिख देंगे ए ग्रेटर देन बी, उसके बाद एंड लिख देंगे, फिर सी आउट, द वैल्यू ऑफ ए लेस देन बी इज ब्रैकेट सॉरी इंसर्शन ऑपरेटर्स एंड देन ब्रैकेट आएगी ए ग्रेटर देन बी, और फिर क्या है इंसर्शन ऑपरेटर और एंड आ जाएगा, और एट दी हम क्या लिखेंगे रिटर्न जीरो और सेमीकोलन। ठीक है, अब ये हम लोगों ने रिलेशन ऑपरेटर्स लगाए, अब इनको हम सेव करेंगे, एक बार चेक कर लेंगे इंट मेन, उसके बाद इसको सेव करते हैं। रिटर्न स्पेस देख लिखेंगे जीरो। अब ये देखें कि जब हम लोगों ने दी वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू क्या ली थी 4 और बी की वैल्यू क्या ली थी 5, फिर हमने चेक किया कि क्या ए इज इक्वल टू बी है, ए बी के इक्वल नहीं है, 4 5 के इक्वल नहीं है, तो वो क्या दे देगा जीरो दे देगा, जीरो का क्या मतलब होगा फाल्स। ठीक है, अब फिर हम चेक करेंगे कि ए नॉट इज इक्वल टू बी है, ए बी के इक्वल है कि नहीं, तो जब 4 नॉट इज इक्वल टू 5 होगा तो वो क्या कर देगा कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वो हमें क्या दे देगा ट्रू कंडीशन दे देगी, और ट्रू जब आएगी तो उसका मतलब है 1 होगा। फिर हम चेक करेंगे ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी, क्या ए की वैल्यू ग्रेटर है बी से, 4 ग्रेटर है बी से, ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी, नो 4 ग्रेटर नहीं है बी से, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा जीरो। उसके बाद हम चेक करेंगे ए लेस देन इज इक्वल टू बी, तो 4 लेस देन इज इक्वल टू 5 है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद हम चेक करेंगे ए लेस देन बी, ए लेस देन बी है, 4 लेस है 5 से, तो 4 लेस है 5 से, तो ये ट्रू होनी चाहिए कंडीशन, 4 लेस है 5 से, ये देखें इधर हमने ग्रेटर का सिंबल लगाया। अब रन करते हैं, अब ये चेक करें द वैल्यू ऑफ ए लेस देन बी इज 4 लेस है बी से, तो कंडीशन ट्रू है, तो इधर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी तो 1 आएगा, फॉल्स होगी तो हमें 0 डिस्प्ले होगा। तो स्टूडेंट ये थे रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमें दो एक्सप्रेशन को कंपेयर करने में हेल्प करते हैं, दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं, दे आल्सो रिटर्न ट्रू या फॉल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन 1 इनको चेक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इधर मैं एक्सप्रेशन लिखती हूँ, एक्सप्रेशन 1 इज इक्वल टू इसमें ऑपरेटर्स का यूज करेंगे एंड ऑपरेटर्स का, एक्सप्रेशन 2 की, तो इन दोनों वैल्यू को ट्रू या फॉल्स में कंपेयर करेगा, क्या एक्सप्रेशन 1 या एक्सप्रेशन 2 को फॉल्स या ट्रू में कंप्यूट करके हमें दे देगा। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 की वैल्यू को हमें फॉल्स या ट्रू में कंप्यूट करके देगा। ठीक है, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो हमें ट्रू दे देगा, अगर एक्सप्रेशन फॉल्स होगा तो हमें 1 0 दे देगा।
एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो 1 मिलेगा, एक्सप्रेशन फॉल्स होगा तो 0 मिलेगा। उसके बाद हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं। मैंने हेडर फाइल वही रहने दिए पिछले ही फाइल का, और अब इसमें हम लोग दो इंटीजर वेरिएबल लेते हैं, int a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 6। इसके बाद क्या आएगा, सेमी कॉलन। उसके बाद हम कमेंट्स में एक हेडिंग दे देती हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर। अब हम प्रिंट करवा लेते हैं, सी आउट द वैल्यू ऑफ दिस लॉजिकल ऑपरेटर ऑपरेटर, फिर ब्रैकेट लिखेंगे, अगेन ब्रैकेट आएगी और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, फिर उसके अंदर हम एक ब्रैकेट लिखेंगे ओपन एंड क्लोज की। अब ये देखिए इस ब्रैकेट में क्या करेंगे, क्या ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। उसके बाद हम इधर एंड का ऑपरेटर चूज करेंगे, फिर ब्रैकेट लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और उसमें क्या करेंगे, ये कंडीशन लगाएंगे ए लेस देन बी, और फिर ब्रैकेट होल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम इंसर्शन ऑपरेटर्स का यूज करेंगे, फिर अगेन यही लिख देंगे, इसको मैं कॉपी कर रही हूँ। और फिर एंड पे क्या कर देंगे, इंसर्शन ऑपरेटर लगा के एंडल कर देंगे। लॉजिकल ऑपरेटर, ओके। अब उसके बाद सी आउट, मैं अगेन इसी स्टेटमेंट को कॉपी कर लेती हूँ, और पेस्ट कर देती हूँ। अब ये देखें, द वैल्यू ऑफ दिस लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल एंड ऑपरेटर इसमें आना था, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ऊपर हम एंड ऑपरेटर लगा रहे हैं, इधर और ऑपरेटर का यूज करेंगे, और ऑपरेटर ए इज इक्वल टू बी, और के लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे, और के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, ये सिंबल और के लिए यूज करते हैं। उसके बाद अगेन इसमें लिख देंगे और का सिंबल, और फिर इसमें ये कंडीशन चेक करेंगे ए लेस देन बी, ठीक है। अब उसके बाद हम थर्ड कंडीशन लगाएंगे, द वैल्यू ऑफ दिस लॉजिकल ऑपरेटर ऑफ दिस नॉट लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, अगेन मैं ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज ले लूँ। अब मैं कंडीशन लगाऊंगी ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, क्योंकि ये नॉट लॉजिकल ऑपरेटर है तो हम लोग ब्रैकेट के बाद नॉट का सिंबल लगा देंगे, इज और फिर हम चेक करेंगे, फिर इंसर्शन ऑपरेटर लगा देंगे, अगेन इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते, और एट द एंड इंसर्शन ऑपरेटर के बाद एंड लगा देंगे। रिटर्न 0 कर देंगे।
ब्रैकेट क्लोज जो ऊपर ऊपर ओपन ब्रैकेट है इसको क्लोज भी करेंगे हम एंड पे, तो इसलिए ये मैंने क्लोज ब्रैकेट लगा दी। इसके बाद एक दफा हम चेक कर लेते हैं कि ही कोई मिसिंग तो नहीं है। ओके, अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम कंपाइल करते हैं तो ये हमारी आउटपुट है। ठीक है, ये आउटपुट कैसे आई है इसको देखते हैं। अब सबसे पहले हमने ए की वैल्यू क्या ली थी, 5, और बी की वैल्यू क्या ली थी, 6। द वैल्यू ऑफ दिस लॉजिकल एंड ऑपरेटर ए इज इक्वल टू बी एंड ए लेस देन बी। क्या ए इक्वल है बी के? 5 इज इक्वल टू 6 इक्वल है? नो, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और क्या ए लेस देन बी है? तो यस, ये कंडीशन ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है। तो एंड में क्या होता है कि जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो हमारे पास ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो जब ये कंडीशंस हमारी फॉल्स होगी तो हमारे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, 0। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कंडीशन फॉल्स होगी तो 0 आएगा, ट्रू होगा तो 1 आएगा। उसके बाद हम चेक करते हैं और ऑपरेटर्स के साथ। और ऑपरेटर में क्या, ए इज इक्वल टू बी। ए 5 इक्वल है 6 के? नो, ए और ऑपरेटर। और फिर हम चेक करेंगे ए लेस देन बी, 5 लेस देन है 6 से, यस कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो और ऑपरेटर हमें क्या कहता है कि जब दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन में ट्रू होगी तो हमारे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, अब उसके बाद द वैल्यू ऑफ दिस लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। क्या ए इक्वल है बी के? ए इक्वल नहीं है बी के, तो ये कंडीशन फॉल्स है। लेकिन हमने साथ और नॉट ऑपरेटर लगा दिए तो इसका मतलब है कि वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, रिलेशनल असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो अब हम एंड करते हैं अपने लेक्चर्स का। आई होप दिस लेक्चर्स मेक यू एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय।